वैसे मैं भी आपस की बात है, मैं भी सुबह से सोच रहा था यार आज कोई ना हैवी एडवेंचर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम शपैगिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और इतनी ज़्यादा सर्दी है, हम लोग इस समय नलतर में, नलतर एक बड़ा खूबसूरत गांव है, अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हम कल नलतर पहुंचे कैसे। अली भी बताएं ज़रा कैसे पहुंचे। वैसे आप ये देखें भालू बने, भालू बना हुआ, मेरे से तो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल शाम को क्या हुआ था मैंने बताया वीडियो में, वाइब्रेशन भी लगा हुआ था। कल हम लोग पहुंचे जी नलतर शाम को बड़ी मुश्किलों से, मतलब इतना इसका रास्ता इतना ऑफ रोड है कि आपकी सोच है। और हम लोग थे संडे बाइक्स के ऊपर, अभी हो रहे हैं तकरीबन सुबह के 10:30 और रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो आप लोग जो है वो आपको रमज़ान मुबारक सबको। टेम्परेचर इस टाइम होगा तकरीबन 1 या 2। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने बाइक जो है वो यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि भाई आज ट्रिप का 9th डे है और ये इनके पास होटल वालों के पास एक 4x4 है। इनको हमने कहा कि नलतर में एक दो जगह जो है हमें ये घुमा लाएँ। बाकी तो ये कि नलतर हमारा बेसिक आने का मकसद ये था कि यहाँ पे हम सुकून करें, क्योंकि इतना खूबसूरत गांव है, बड़ी खामोशी होती है, सामने सारे पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। फिलहाल हमारी 4x4 रेडी हो रही है और हम लोग अभी मेरे ख्याल देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे जीपें इसी तरह से शेक होती हैं जिस तरह से इस टाइम हो रही हैं। आज हम लोग अभी पहले कहाँ जा रहे हैं जी? 0 पॉइंट सर। 0 पॉइंट जी, जी। और उसके बाद? उसके बाद आ गए बिजगिरी लेक। अच्छा, अभी वो सामने जो जगह है उसका क्या नाम बता रहे थे आप? वो उसका नाम है नगरल। नगरल। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी 0 पॉइंट। यहाँ पे स्की रिजॉर्ट है नलतर के अंदर, सर्दियों में स्की होती है। अभी तो नहीं हो रही होगी? अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी 0 पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ पे स्की रिजॉर्ट है, वो देखेंगे। जितना का हम हिल रहे हैं हमारी अखीर हो जानी है। ये हमारे साथ बाइक पे है, हमें कल पता नहीं लगा, ये हम इस तरह 3 घंटे तकरीबन ऐसी इससे डबल हिल के आए थे, वो तो खुली वाली जीप थी। नीचे गांव में से जिन पहाड़ों पे बर्फ़ हम देख रहे थे उसके बीच में हम आ चुके हैं। ये इस टाइम इस तरफ भी बर्फ़ पड़ी हुई है, इस तरफ भी बर्फ़ है सारी। यहाँ पे उतरना है आपका मर्जी, इधर बैठना है तो मैं आगे जाना है। कहाँ? इस तरफ स्की स्लोप है जिसके ऊपर स्की होती है सारी, लेकिन वो अभी हम सोच रहे हैं कि आगे पहले नगरल व्यू पॉइंट से होएं। आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है तो पता नहीं हम ये क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। क्या हुआ, नहीं जा पा रहे? मुश्किल है। आगे बर्फ ज्यादा है, आगे बर्फ काफी है, ओ तेरी। आगे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है भाई, तो गाड़ी का टायर जो है वो सारा स्लिप कर रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी करके, और ये पीछे सारी आपको नजर आ रही होगी जहाँ टायर स्लिप हो रहा था, तो यहाँ से नगरल व्यू पॉइंट हम पैदल जाएंगे। 10 से 11 मिनट का रास्ता है और बर्फ़ है भी, मतलब सख्त वाली नहीं है, जो जिस पे टायर हल्का सा घूमता है तो वो सारी जो है ना वो बीच में से निकल जाती है, बड़ी नरम सी बर्फ है। ऑफ रोड हो रहा है? ऑफ रोड नहीं, स्लिप रोड हो रहा है। मेरे तो मैं बड़ी मुश्किल से जॉगर को टिकाता हूँ, वो फिर भी स्लिप होता है पीछे। वापस भी आना है इसी रास्ते। ओए नीचे कितना खूबसूरत सीन लग रहा है, अब चेन लगा लेनी चाहिए थी हमें। गाड़ी में हम चेन लगाते थे, गाड़ी में चेन लगाते हैं ना। ये जो नरम जो है ना, ये इस पे भी चेन भी काम नहीं करता, ये नरम वाला है। नरम है ना? हाँ, ये ताजा है ना। ये देखो किसी जानवर ने पाँव रखा है और वो कितना अंदर दबा हुआ है। नलतर जाएंगे, बर्फ देखेंगे। I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger.
वीडियो में आऊंगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है, अभी नाक भी रेड होनी शुरू हो गई है और सांस भी चढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी हाइट है, ऑक्सीजन ऐसे ना बड़ी अजीब सा सीन हो रहा है। और लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ठंड मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, खूबसूरत मंजर चल रहा है। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है, हम लोग काफ़ी देर से ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से बॉडी थोड़ी सी गर्म हुई हुई है, तो वो काम सेट है। हम लोग नगरल व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो यहाँ से सामने नीचे सारा गांव नज़र आ रहा है नलतर जो है, और ऊपर जो है वो सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, तो ठंडी यख हवाएं जो है ना वो आके इस तरह मुंह पे लग रही हैं। ये पीछे भी एक गांव इस तरफ है जो यहाँ से नज़र आ रहा है, और एक गांव जो है वो पूरा नलतर इस तरफ नज़र आ रहा है। अभी मुझे ये सारा रियलाइज़ हुआ है यहाँ पे आके कि ये जो सीज़न है अप्रैल का, ये नलतर आने का नहीं है। क्यों, ये वजह नहीं है कि ठंड बहुत है, ठंड तो अच्छी होती है अगर आप इन साइडों पे आओ तो, जितनी ठंड मिलेगी उतना ज़्यादा बंदे को मज़ा आता है, लेकिन नलतर देखने वाला है ग्रीनरी में, और अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि स्टिल यहाँ पे अभी चेरी ब्लॉसम नहीं हुआ। मई के एंड पे जाके यहाँ पे वो वाली हल्की सी समर आएगी जिससे चेरी ब्लॉसम होगा, और जून जुलाई के अंदर जाके ये जितना भी आपको एरिया सारा ये ब्राउन नज़र आ रहा है फीका फीका सा, या मेरे नीचे भी इवन ये जो ग्रास हल्की सी है, या इस तरफ ये जितना आपको मिट्टी वाला एरिया नज़र आ रहा है ये सारा ग्रीन हो जाता है नलतर पूरा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं जिस तरफ भी नज़र घुमाऊंगा, जून जुलाई और अगस्त, मेरे ख्याल से अगस्त यहाँ पे आने का सबसे अच्छा महीना है क्योंकि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया होता है, तो अगस्त के अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, और ये सारा लश ग्रीन हुआ होता है। जिस पहाड़ को भी आप देखोगे, जिस तरह पहाड़ों पर भी दरख्त है ना, तो उनके नीचे वो मिट्टी नज़र आ रही है, वो मिट्टी तक नज़र नहीं आती। और यहाँ से अगर मैं पूरे गाँव का व्यू लूँगा जुलाई या अगस्त के अंदर, तो वो इस तरह लश ग्रीन होगा, बिल्कुल ऐसे फुल हरियाली। और इस तरफ ये सारी जो है, ये सारी हैं फसलें, यहाँ पे लोगों ने अपनी सारी जो है ना वो काश्तकारी की होती है, ये सारा ऐसे ग्रीन हुआ होता है। तो नलतर जो है वो इस मौसम में आने वाली जगह नहीं है क्योंकि आगे जितनी भी लेक्स हैं, सतरंगी, परी लेक, वो सब बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो सब फ्रीज हुआ हुआ है। तो बस हम लोग अभी आए हैं, सुकून कर रहे हैं, हमारे अलावा पूरे गांव में कोई टूरिस्ट नज़र नहीं ना आया, कोई नहीं है, सिर्फ हम दो यहाँ पे फिर जा रहे हैं। लेकिन स्टिल हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ग्रीनरी वाला नलतर देखना जो आपको देखना चाहिए, तो वो फिर आप आना जुलाई या अगस्त के अंदर जाके। कैमरा अंदर छुपा लिया है, बारिश शुरू हो चुकी है क्योंकि गोप्रो तो हमारा वाटर प्रूफ ही है लेकिन कैमरा नहीं है। Cause what we had was long ago. All I know is how it slowly seizes. It seizes in the arms of a stranger. हम लोग ऊपर से जो है वो नीचे आ चुके हैं, और ये सामने मेरे जो है स्की स्लोप है, ये यहाँ से एक चेयरलिफ्ट चलती है वो ऊपर लेके जाती है एंड पे, एंड से फिर स्की करते हुए नीचे आते हैं। ये सारी जगह जो है ये बर्फ़ में होती है, यहाँ से मेरे ख्याल नीचे भी जाते हैं यहीं तक है, लेकिन बड़ा हैवी सीन होता होगा सर्दियों में, है ना, सर्दियों में किस तरह। हाँ, अभी हमारी जीप रेडी खड़ी है और हम लोग अभी दूसरी साइड पे जाएंगे। ये वापस हम दूसरे रास्ते से आए हैं, और यहाँ पे जो है वो रोड जो है आगे है नहीं, मतलब है लेकिन इस तरफ से बहुत ज़्यादा जो है सिर्फ इतना सा रास्ते गुजरने का, और यहाँ से ये हल्का सा भी अगर टायर इस जगह पे आएगा तो ये हमारी मंजिल हो जाएगी, अल्लाह माफ करे। नहीं, वापस हो जाएंगे नीचे, वो पूछ हो जाएंगे अभी, चले ट्राई करूँ या तो पहले हम लोग अपने होटल से उस तरफ गए थे पीछे नगरल वाली साइड पे,
अभी हम लोग होटल से इस तरफ आ रहे हैं जहाँ पे सारी लेक्स हैं, तो हमने इनको कहा कि हमें मतलब लेक्स तो सारी बर्फ में होंगी ना, बर्फ होंगी सारी, सारियों पे जमी होगी, सब पे बर्फ भी जमी होगी, और वैसे भी वहाँ तक जाने का रास्ता भी नहीं है क्योंकि बीच में सारी वो बर्फ और इस तरह का रास्ता बंद हुआ है। तो हमने इनको कहा कि इस तरफ ना बड़ा खूबसूरत सा जंगल भी है, दरख्त हैं काफ़ी, तो हमने इनको कहा कि ये जहाँ तक मैक्सिमम ये जीप हमें लेके जा सकती है इस तरफ, वहाँ तक आप ले जाएं, तो वो हम देख लेंगे, जितना नज़ारा हम ले सके वो ले लेंगे, बाकी ये है कि अभी इस मौसम में हम लेक्स तो देख नहीं सकते। काफ़ी आगे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारी जो जीप है वो बर्फ़ के अंदर काफ़ी फंस चुकी है, तकरीबन आधा आधा टायर या उससे भी ज़्यादा शायद मेरा ख्याल है, हाँ आधा आधा टायर जो है वो हमारा इसके अंदर बर्फ़ के अंदर जा चुका है, और सामने भी बर्फ़ इस तरह की जिस तरह झाग होती है, जो मेरी वो राइट साइड है वहाँ पर सारी बर्फ़ है, वो इतनी खूबसूरत लग रही है, और सामने इतने प्यारे दरख्त हैं, पीछे भी सारा मतलब ये जंगल टाइप है। अब हल्की हल्की सी स्नोफॉल होती भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन वो कैमरा के अंदर नज़र नहीं आएगी, निकल जाएंगे चाचा जी टायरों को घुमा घुमा के कोशिश कर रहे हैं कि ये जीप निकल सके, लेकिन काफ़ी बुरी फंस गई है यार, निकल जाएं हम यहाँ से और इतनी खूबसूरत स्नोफॉल हल्की हल्की है, बहुत ही लाइट है, वो नज़र नहीं आएगी कैमरा के अंदर, थोड़ी तेज़ हुई तो नज़र आ जाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये तेज़ हो रही है, इससे क्या होगा जी, इसके ऊपर चढ़ेगा टायर। मेरा बाहर निकलने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन बाहर जो है वो सारी, मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो वो पूरी बर्फ़ है, मैं निकल नहीं सकता, देखता हूँ यहाँ से इसको खोल के। ये देखो ये जगह है, और ये सारी यहाँ पे बर्फ़ है, और नीचे सारी जीप जो है वो बर्फ़ के अंदर जा चुकी है, गाड़ी का मैट जो है वो निकाल के रखा है ताकि टायर उसके ऊपर आए, तो वो देखो उनके पैर कितने अंदर गए हैं। हम लोग नलतर आए थे और बर्फ़ के अंदर बहुत ही बुरा फंस चुके हुए हैं। हाँ जी अली भाई किधर हो, ट्रक के नीचे मैं तो निकल नहीं सकता भाई यहाँ से, निकल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ गाड़ी पे ही पाँव रख के। मैं ये जीप से बाहर निकला हूँ तो मुझे असल पता लगा है कि नज़ारा है कि यही फ़र्क है बाइक पे ट्रैवल करने का और गाड़ी पे ट्रैवल करने का। अब मैं गाड़ी के अंदर जब तक बैठा था मुझे यकीन करो मुझे सिर्फ ये पता था कि यहाँ पे सिर्फ इस तरह बर्फ़ है, लेकिन ये जो पूरा व्यू है इस तरफ वो मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इस तरह सामने कितनी दूर दूर दरख्त हैं और ये सारी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। डिफरेंस बिटवीन बाइक एंड कार। किधर फिर रहे हो चले मैं पीछे जाऊं, मैं जा रहा हूं, वो भी आ जाए, दोनों पीछे चले जाए ना। बहुत कोशिश की मैंने अपने जूते बचाने की, लेकिन मुझे ओ गया ही, ओए पीछे जाना ही पड़ रहा है, उई बर्फ चली गई है मेरी जराबों के अंदर। अच्छा ऊपर चढ़ना है हमने, यहाँ पे खड़े हो
यार गिर जाएंगे करने है ना। अच्छा एक मिनट, हम लोग धक्कम धक्की लगा रहे हैं डाले के पीछे खड़े होके। क्या हुआ, नहीं हो रहा? ये आगे से मैंने डाला, आप देखा है ये इतना ज़्यादा बर्फ़ के अंदर जा चुका है जिसकी वजह से ये मूव नहीं हो रहा और सर्दी इतनी ज़्यादा है। मज़ा तो आ रहा है लेकिन मसला ये है कि ये फंस गया है और इस टाइम हमें दूर दूर तक इस पूरे जंगल में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जिसको हम हेल्प के लिए बुलाएं। वो हट में चलते हैं सामने, वो देखने जा रहे हैं भाई। यहाँ पे पानी है, मेरे जॉगर गीले हो गए हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं कि हमें कहीं से कोई बेलचा मिल जाए। अभी चाचा जी और अली भाई वहाँ पे वो हट में गए हैं किसी का पता करने के, कोई बंदा अगर मिल जाए। मैं और अली भाई चाचा जी को पिछले कोई 5-7 मिनट से कह रहे थे कि आगे बर्फ़ बढ़ती जा रही है, रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते, लेकिन चाचा जी जो हैं वो आ ही जा रहे थे। वैसे मैं भी आपस की बात है, मैं भी सुबह से सोच रहा था यार आज कोई ना हैवी एडवेंचर नहीं हुआ। पिछले 8 दिन से हम एक रोलर कोस्टर के अंदर थे, आज सुबह से बड़ा आराम सुकून चल रहा था, ऐ हो गया। ले लो वो पूरी फंस गई है बेचों दे। कोई मिला? कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हम बर्फ़ को गाड़ी के नीचे से निकाल सकें। अभी देखते हैं, ड्राइवर भाई को ज़्यादा जज्बाती हो गए थे लेकिन ग्रेट बंदा। नलतर जाएंगे, नलतर जाएंगे। ताले लगे हैं, ताले लगे हैं। अभी कोई आता ही नहीं इस तरफ, वो ताले लगने। अब क्या बनेगा, अभी कुछ ना हल निकालेंगे, सिगरेट फेंकेंगे उसके बाद। सही है। आगे करना है। काफ़ी नाकाम कोशिशों के बाद 4x4 में मैं सवार हो गया हूँ। नहीं चलो आगे, चलो आगे सीधा, आगे सीधा। नहीं कर पाए हम, जब इतने ट्रेंड चाचा जी नहीं कर पाए तो हमने क्या कर लेना था। क्यों जी, बिल्कुल ऐसी है? ऐसी हम तो मास्क लेके मॉरल सपोर्ट के लिए बैठा हूँ। अफतारी में कितना टाइम रह गया यार, हवा ठंडी है, मास्क ने थोड़ा सा सुकून दिया हुआ। अफतारी में अभी आई थिंक 4 घंटे, हाँ 4 तो पड़े होंगे। इस वाले टायर है ना पत्थर के, हर कोशिश करने के बाद भी हम लोग नाकाम हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमें फंसे हुए, सारा जो है वो यहाँ पे आगे से धक्के, पीछे से धक्के, टायरों के नीचे से बर्फ़ निकाल, क्या कुछ कर लिया, लेकिन वो सामने डाला खड़ा हुआ है। अभी मैं जीप वाले चाचा के साथ इधर आया हूँ, एक यहाँ पे मस्जिद ज़ेर तमीर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे कोई मिल जाए, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है क्योंकि बर्फ़ है, नलतर में कोई आता नहीं है इस मौसम में। तो इस एरिया में जो भी काम हो रहा है या जिनके भी छोटे छोटे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि वो सब लोग सर्दियों में अपने घर छोड़ के नीचे गाँवों में चले जाते हैं, धनियोर या नोमल, इस तरह की जगहों पर। तो इधर ना कोई बंदा है, ना कोई बंदे की ज़ात है, जंगल में सिर्फ हमें। एक और ख़तरा भी है कि नलतर में स्नो लेपर्ड भी होता है, तो अगर कहीं से लेपर्ड निकल के आ गया तो साड़ी कम लेपड़ो लेपड़ी हो जाना। और इधर मैं ये बर्फ़ में धंसता फंसता वो सामने चाचा जी हैं, उनके पास जा रहा हूँ। हमारे जो दूसरे बाबा जी हैं अली साहब, वो
जाके बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि उनकी हिम्मत जवाब देगी है। कोई मिला क्या? आगे मत आऊं? अगर इधर स्नो लेपर्ड आ गया? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा? वो तो जब आएगा वो तब बताएगा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरी अगर जराबे शराबे गीली होगी ना तो बुखार चढ़ने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। किससे रब्ता हूँ? वो होटल वाले से आ रहा है। लेपर्ड जो होता ना उसमें खतरा हो गया तो आग बनाना होता है। अच्छा, क्योंकि उसका आग से डरता है वो, आग के पास नहीं आता। नहीं आता, सही है। मतलब अब हम सेफ हैं। सेफ। फाइनली 155 पे हम लोग फंसे थे और अभी 3:30 हो चुके हैं। ये सामने जो है वो बाइक पे आए हैं, दोनों बाइक को पीछे खड़ा करके आ रहे हैं, हमारी रेस्क्यू टीम। मेहरान, मर्जी है तुम्हारी, तुम होटल में मजे कर रहे हो और रोजों में हमें किधर फंसवा दिया। क्या करें सर, आप खुद आग में फंस गए, मेरी क्या गलती है। मैं तो सर आपकी खिदमत के लिए इधर भी पहुंचाऊं। चाचा जी चाह रहे थे कि हमें एकदम से लेक दिखा देना, उस चक्कर में हम फंस गए। डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं। वो कौन सी बाइक लेके आया पता है आपको? कौन सी? 125। वो देखे उधर 125 लाए हो यहाँ तक? हाँ भी, मेहरान निकल जाएगी इंशाल्लाह सर। है? आए हैं तो कुछ करते हैं। एक भाई साहब अंदर से ठंड से मजे ले रहे हैं। सलाम स्टिल गाड़ी निकलने का कोई चांस नहीं है। इस तरफ से ये सारी बर्फ़ ख़त्म की है इन्होंने और वहाँ हम फंसे हुए थे, वहाँ से अब तक हम पहुँचे हैं इस जगह पे। गाड़ी असल में थोड़ी सी भी चलाने की कोशिश करते हैं तो वो बर्फ़ जो है वो और नीचे जाती है, क्योंकि नरम बहुत है और नीचे सारा है ये पानी, पानी वाला मतलब वो जमा हुआ है सारा। इफ्तारी से पहले पहुँचेंगे कि नहीं? अच्छा, ये था पानी वाला खड्डा जिसके अंदर इतने बुरे हम लोग फंस चुके थे। फाइनली निकल के आगे चला गया डाला, लेकिन मसला ये है कि यहीं से वापस जाना, इधर दोबारा फंस जाएंगे यार। हाँ, दोबारा उसी जगह में फंस गया। चलो उसी जगह में तुम्हारा फंस गया, वहाँ पे पानी का खड्डा था। मैं पहले बोल रहा था यहाँ फंसे हुए थे, यहाँ से रिवर्स कर लेते और ये पीछे आराम से निकल जाते। हम लोग रूम में वापस पहुँच चुके हैं, 4:53 टाइम हो गया है और हम लोग 155 पे फंसे थे और दोबारा से जब गाड़ी फंसी थी उसके बाद निकालने में भी जो टाइम लग गया तो 4:12 पे एग्जैक्ट हमारी गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। जलालत हुई लेकिन मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आया। मैं पहले जब लास्ट टाइम नलतर आया था तो बस इस गाँव जंगल से गुजर के आगे गए थे, लेक देखी। हम लेक से 10 मिनट पीछे फंसे थे, सिर्फ 10 मिनट, तो लेक देखी और वापस आ गए थे। तो मैं जाके भी यही सोच रहा था कि ये जो नलतर के जंगल है यहाँ पर जाके बंदे को थोड़ी वॉक करनी चाहिए। वो जो है इस बार पूरा हो गया सारा काम, जंगल के अंदर तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे शायद, पता नहीं, हाँ 2-2.5 घंटे जितना भी बनता है वो हम खड़े रहे, फंसे रहे। अभी फिलहाल तो ये हमारी रजाई है और ये हम हैं और यहाँ पे जो है ना हमने अभी इसके अंदर लाम लेट हो जाना है। धुंध देख रहे हो? उन्होंने इफ्तारी का सामान हमें रूम में दे दिया था, फ्राइज, चाय, सूप। वो फिर मैंने उस टाइम कैमरा शेमरा उठाया नहीं। अभी उधर से आना, अभी टाइम हो चुका है 8:42 और हमारा खाना जो है वो तैयार हो गया है और वो कह रहे हैं कि आपका खाना जो टेबल पे लग भी चुका है। तो खाने में हमने बनवाया है आज, जो बनवाया है देखते हैं वो बना भी है कि नहीं। आज आपको मटन कढ़ाई है और साथ में चिकन पुलाव है। आज मेहरान ने हमारे लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की मटन कढ़ाई बनाई है और साथ में चिकन पुलाव बनाया है। अभी अभी रोटी तवे से उतर के आई है और अब इस तरह लग रहा है जिस तरह बस अभी कुछ ही सेकंड के अंदर और ठंडी यख हो जाएगी और
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, माइनस में इस टाइम होगा लग रहा है, फील हो रहा है ना, इजीली माइनस में होगा। हम तो कमरे में बैठे थे, इतना सुकून था, अभी खाने में से धुएं उड़ रहे हैं। आज मेहरान ने और दूसरे हमारे मेहरबान साहब ने बड़ी हमारी जो है ना वो हम ही दिखाने के चक्कर में वो जो है ना वहाँ आगे ले गए कि कोई बात नहीं, इनको किसी ना किसी तरह लेक दिखा लें, सिर्फ इसलिए कि मेहमान है, मेहमान है वो। लेकिन फंस गए हम, तो फिर उन्होंने खुद ही जो है वो इतना ज़्यादा उस बर्फ़ में करके जो है हमें निकाला वहाँ से, खाना बढ़ाला। इनको पता है कि पंजाबियों को जो है ना वो चटपटी चीज़ें बड़ी पसंद है, तो कल इसी तरह से इन्होंने चिकन बनाया था, आज सेम उसी तरह से मटन बनाया, लेकिन बना बहुत अच्छा है। गर्म करते हो थोड़ा सा पानी। हाँ, हम लोग होटल के अंदर इस तरह फिर रहे हैं जिस तरह हमारा अपना घर है। मेहरान से हम एक कप चाय मांगते हैं तो वो दो देता है, मतलब अगर दो बंदों के लिए दो कप मांगे तो वो चार भेजता है, ऐसे ही है। खाना जितना मांगो उससे डबल मिलता है। अभी ये है कि फिलहाल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, रात के 9:30 हो गए हैं, सुबह का हमारा प्लान है अर्ली निकलने का, तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दोनों याद रखना, इंस्टाग्राम में फॉलो मास्टर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, क्या हालात हैं? बस ठीक ही, नलतर लड़ गया अली भाई को। Thank you.